अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात कर रहे हैं HR7 होम्योपैथिक ड्रॉप्स की अहमियत और फ़ायदे पर। व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़े मेहरबानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो मैं आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल वाहिद आपको अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं व्यूअर्स। रोज़मर्रा के अफ़ाल की अदायगी के लिए मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल और उसका बेहतरीन इन्हज़ाम होने के बाद जुज़्वे बदन होना एक नागुज़ीर फ़ेल है। निज़ाम हाज़मा अगर दुरुस्त ना हो या आंतों में वर्म हो तो दस्त आना शुरू हो जाते हैं, जो कुव्वत जिस्मानी को नचोड़ कर रख देते हैं। HR7 बिलाइम्तियाज़ हर उम्र के लोगों का अव्वलीन इंतखाब है, जो हाजमा की फौरी और देरपा दुरुस्तगी के ख्वाहां होते हैं। यह हर किस्म के दस्त में तरियाक साबित होती है। HR7 कसरत से पानी की तरह आने वाले दस्त, सफ़ेद मिट्टी या चाक की तरह दस्त, खा उनकी रंगत स्याह हो या जर्द या सब्जी माइल या जर्दी माइल, बिला इरादा दस्त खारिज होने की सूरत में, पेट के फूलने में, खुश्क व सर्द हवा, गुस्सा, गम या खौफ के दब जाने के बाद दस्त, माहवारी से पहले या बाद में आने वाले दस्त, बिला तकलीफ पानी जैसे गैर हजम शुदा गजा वाले दस्त, ज़्यादा उम्र की औरतों में दिल की धड़कन में इजाफे के साथ दस्त, बच्चों में उजाबत के साथ दही की तरह जमे हुए टुकड़े, गुदूद बढ़ जाने के बायस दस्त, ख़ास तौर पर बच्चों को आने वाले दस्त जो दांत निकलने के ज़माने में बच्चों को बिल्कुल निढाल बना देते हैं। HR7 के बायस बच्चे हर एक के लबों पर मुस्कराहट बिखेर देने वाली शरारतों की तरफ वापस लौट आते हैं। नीज़ वो लोग जो आंतों की सोजश का शिकार हों, HR7 के इस्तेमाल से अपने हाजमे को मुस्तैद बना सकते हैं। व्यूअर्स, इस मेडिसिन के 10 से 15 के तरह दिन में 3 से 4 बार थोड़े से पानी में इस्तेमाल करें। बासी और मुर्गन गज़ाओं से परहेज़ किया जाए, ताज़ा और सादा गज़ा इस्तेमाल की जाए। व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो HR7 होम्योपैथिक ड्रॉप्स की अहमियत और फ़ायदे पर। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो नई वीडियो लेकर ज़रूर हाज़िर होते हैं। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।